औज़ु बिल्लाहि समीउन अलीम मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। किसी भी इस्लामिक सोसाइटी का पर्सपेक्टिव में जब हम बात करते हैं कि सोसाइटी क्या हो सकती है इस्लामिक पर्सपेक्टिव में, उसको जरा हम देखते हैं। ओवरऑल हमने अभी तक सोसाइटीज पे बात कर ली है। इब्ने खल्दून की एक स्टेटमेंट यहाँ पे मैं आपके लिए रखी है, ह्यूमन बीइंग्स आर वीक, दे नीड टू लिव इन ग्रुप्स एंड हेल्पिंग ईच अदर। इंसान जाती तौर पे कमजोर है और उसे दूसरे लोगों की जरूरत है इकट्ठे रहने के लिए। और सोसाइटी फॉर्म फ्रॉम इंडिविजुअल्स, डेफिनेटली ये बात हम कर चुके हैं कि इंसानों से ही माशरे जो है वो बनते हैं। अब मैंने ये एक स्लाइड आपके लिए, ये एक बॉक्स अलहदा से रखा है इसी इस्लामी पर्सपेक्टिव को मजीद इसकी आपको वजाहत देने के लिए। आमतौर पे हम लोग में से कुछ लोग बात करते हुए डरते हैं, कुछ लोगों के कुछ खुद क्लियर नहीं है, और जो क्लियर है वो इसलिए नहीं आगे बात हम चाहते कि दूसरा पता नहीं क्या सोचेगा। लेकिन जो सही बात है उसको करना चाहिए, कर देना चाहिए, क्योंकि हम बीइंग अ मुस्लिम सोसाइटी, हमने जितनी चीजें अभी तक 16-17 स्लाइड्स डिस्कस की हैं, अगर मैं इस चीज को उसमें से निकाल दूं कि नहीं खैर इस्लामी सोसाइटी को क्या डिस्कस करना है, तो मेरा ख्याल है कि मेरी जात की हद तक मुझे लगेगा कि ये मैंने जस्टिफाई नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको वो तो बताया ही नहीं जो हमारे ऊपर लेबल है जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिसके हम दावेदार हैं। सो इस्लामी सोसाइटी के अंदर, अभी इस बात को पीछे भूल जाएं, हमने जितनी बातें की एक लम्हे के लिए, लोग होने चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस्लामी सोसाइटी के अंदर जब हम बात करते हैं बीइंग अ मुस्लिम, तो यहाँ पे सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? अल्लाह। अल्लाह इज द सुप्रीम अथॉरिटी। हाकमियत अल्लाह किसकी है? अल्लाह की। इक्तदार अल्लाह किसका है? अल्लाह का है। इसकी एक मिसाल मैं आपसे शेयर करता हूँ। इस्लामिक पर्सपेक्टिव में जब हम बात करें तो हाकमियत अल्लाह किसकी है? अल्लाह की है। इस्लामिक पर्सपेक्टिव में जो इक्तदार जिन लोगों को मिला होता है वो उनके पास अल्लाह की अमानत होता है। अब जिनके हम नारे लगाते हैं, जिनके हम दिन मनाते हैं, जिनके हम मिलाद मनाते हैं, जिनके हम मुहर्रम मनाते हैं, जिनके हम ईदें मनाते हैं, अब जरा उनका लाइफस्टाइल देखें, और जब वो हाकम थे उनको देखें। चले आप खुलफाए राशिदीन चार मेन की बात कर लें, सैयदना अबू बकर सदीक के हालात जिंदगी कैसे थे, बीइंग अ हेड ऑफ स्टेट वो क्या थे, तो क्या दिन मनाने से हम उनकी सारी पैरवी हो जाती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीइंग अ हेड ऑफ स्टेट कैसे थे? उसके बाद सैयदना उमर, सैयदना उस्मान गनी, हजरत अली करीम, ये जरा आप इसको चेक कर लें कि बीइंग अ स्टेट हेड वो किस तरह से थे। इख्तियारात का मालिक उस वक्त कौन था, मंबा इख्तियारात का किसका था, जंग किसके लिए थी, सुलह किसके लिए थी, और थ्रूट जब आपको देखता है, देखें अल्लाह पाक को जो हमारे यहाँ चीजें प्रिवेल कर रही हैं, जितनी मेरी स्टडी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कहीं गलत हूं तो आप ठीक कर दीजिएगा, ये जो जुज्वी अतात है ना ये अल्लाह को पसंद। मसलन मैं कहता हूँ कि मैं अबू जी जो है वो एक गलत अब्बे दी मान लेनी है, लेकिन दूसरी गल में अब्बे दी नहीं मान रही, तीसरी भी नहीं मान रही, ठीक है, तो अब अब्बा क्या सोचेगा, क्या वो मुझे लाइक बच्चा डिक्लेयर करेगा, या वो मुझे अच्छा बच्चा डिक्लेयर करेगा, या मैं उसकी नजरों में इज्जत पा पाऊंगा? हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मैं हूं तो मुसलमान और है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन सूद हमने चलाना है, बैंकिंग सिस्टम हमने चलाना है, मिलावट हमने करनी है, लोगों से कर्जा हमने लेना है, बेपर्दगी हमने इंतहा की करनी है, और शराब भी यहाँ पे फरोख्त होगी। अब मुझे आप बताएं कि जिस अल्लाह का जो इक्तदार अल्लाह का जो कंसेप्ट है इस्लाम का, जिसमें सुप्रीम पावर अल्लाह है, मेन अथॉरिटी अल्लाह है, जब आप उसके अहकाम की धजियां उड़ाएंगे और फिर उसके बाद आप मुहर्रम बनाए, उसके बाद आप छतों पे अजाने दें, उसके बाद आप मिलाद मनाएं, उसके बाद आप जो मर्जी मनाएं, हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है पूरी की पूरी इताअत। जुज़वी इताअत अल्लाह को नहीं चाहिए, एक जुज़ मान लिया दूजा नहीं मान लिया तीसरा नहीं मानना, हमें मुकम्मल इताअत चाहिए, मुकम्मल। इसलिए कहते हैं इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और पूरा कोड ऑफ लाइफ है। इस वक्त दुनिया में मुझे कोई भी एक इस्लामी रियासत मुस्लिम ममालक ऐसा नजर नहीं आता जहां पे पूरी की पूरी आप कह लें कि एग्जिस्टेंस जो है वो इस्लामी कवानीन की हो या उसके मुताबिक हो।
कोई औकात कम नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, लेकिन उस पर कोई आ नहीं रहा। एक मिसाल इसकी मैं आपको देखूँ, उमर बिन अब्दुल अजीज, अगर आपने नाम सुना, उनको खलीफा इस्सानी या पांचवा खलीफा भी कहा जाता है, लेकिन वो आए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ 85-90 साल के बाद उनका दौर आता है। अभी कल परसों या कुछ दिन पहले शाम में उनके मजार और शायद उनकी खवातीन की कब्रों के साथ भी रखते थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैंने बस खबर पढ़ी है। तो वो उमर बिन अब्दुल अजीज जो थे वो थे पता कौन, हजरत उमर। जब एक वाक्य आपने किताबों में भी पढ़ा होगा, बचपन में भी सुना होगा, एक रात जब गश्त कर रहे थे तो वो एक बच्ची ने कहा कि माँ ने कहा कि बकरियों का दूध धो लो, तो उसने कहा कि धो लिया, तो उसने कहा पानी मिला दो। अब यकीनन आपने ये वाक्य सुना हुआ होगा। तो बेटी ने कहा कि नहीं, वो तो अमीरुल मोमिनीन ने मना किया हुआ है, उन्होंने मनादी कराई है। तो माँ ने कहा कि इस वक्त कौन सा अमीरुल मोमिनीन देख रहा है। तो बच्ची ने कहा कि नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने अपनी थोड़ी मनादी कराई, उसने तो अल्लाह के हुक्म का हमें जो है वो हम तक पहुंचाया है, लिहाजा अल्लाह तो देख रहा है। तो हजरत उमर ये बात सुन रहे थे, गश्त पे थे, पेट्रोल पे थे, कैसे भी, तो उन्होंने उस घर को ताक लिया, देख लिया, और उसके बाद अपने बेटे को जाके कहा कि उस बच्ची के लिए निकाह का पैगाम भेजा। तो उससे जो पैदा हुई थी वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की बेटी थी, पोती बीवी थी, सॉरी, सैयदना उमर की जो पोती थी हजरत उमर की, उस बच्ची के बतन से जो पैदा हुई थी वो उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी थी। ये वो उमर बिन अब्दुल अजीज थे, और इन्होंने कोई खुद से नहीं लिया था, ये गवर्नर के बेटे थे। तो वो सारा एक अरसा तक उन्होंने बड़ी लग्जरी जिंदगी गुजारी थी, लेकिन जिस दिन इनको ये एक वसीयत के तहत इनको मिला था, दो शाखें थी, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ आपको उमर बिन अब्दुल अजीज की बात बता रहा हूँ। बड़े नाजो नम में पले जिधर से गुजरते थे, खुशबुएं आती थी रास्ते में, और बड़ा मामला था। लेकिन जिस दिन इनको एक वसीयत के तहत इनको, जो इनसे पहले थे हाकम, उन्होंने वसीयत की, और उनकी मौत को डिक्लेयर करने से पहले लोगों से वसीयत पे बैत ले ली गई थी, क्योंकि अदरवाइज लोगों ने उनको कबूल नहीं करना था। 40 ईयर्स में ये फौत हो गए थे, 38 में इनको हुक्मरानी मिली थी, और सिर्फ 40 साल की उम्र में, और वो भी इस वाले से भी इनको गालबन जहर दिया गया था। उमर बिन अब्दुल अजीज ने उस वक्त बाकी जो इस्लामी रवायात थी वो सारी ठीक थी, कहीं भी अभी बिगाड़ नहीं आया था, 80-85-90 साल गुजरे थे तकरीबन। बिगाड़ कहाँ पे आया था, गवर्नमेंट हुकूमतों में। इन्होंने तीन काम किए थे। सबसे पहला काम इन्होंने ये किया था कि जाके लोगों से ये पूछा इतमा में कि मैंने ये खुद से नहीं लिया, ना मुझे ये मेरे पे दे दिया गया है एक वसीयत के तहत, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको कबूल करूँ, अदरवाइज मैं ये बात कबूल नहीं करना चाहता। खैर उन लोगों ने उनको कहा तो उन्होंने इस बात पे ऐलान करा के उसको एक्सेप्ट किया। अब आप देखें हमारे यहाँ जो लोग गवर्नमेंट ले रहे हैं वो किस तरह से ले रहे हैं, एक बात। फिर इन्होंने जितनी इनसे पहले गुजरे थे इन्होंने रजिस्टर मंगवाए, जितनी जायदादें थी सारी कैंचियों से काट काट के अपनी जायदाद सबसे पहले खत्म की, अपनी बीवी बेटियों का जेवर सब कुछ बैतुल माल। और वो बंदा जिसने इतनी लग्जरी लाइफ गुजारी थी तकवे की साथ को पहुंचा, एक सूट और जुमे का जब खुतबा देना होता था तो उसके सूखने का इंतजार करते थे, वो पहन के दो खुतबे के लिए जाते। और इसी तरह के इनके दीगर इकदाम थे जिनकी वजह से सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल तक उसको भी, इवन कि अगर घर के घर की भी बात करने के लिए इनका कोई फर्द आ गया तो दिया बुझा देते थे कि इस वक्त मेरे घर की बात हो रही है। सो ये लेवल है इस्लाम के अंदर जिसे हम जो है वो हुकूमत का इक्तदार का लेवल जिसे हम कह सकते हैं। ये मैंने आपको 90 साल बाद की अल्लाह के नबी की जिंदगी की बात बताई है, और जो उस वक्त अल्लाह के नबी थे या उनके जो मोस्ट कंपेनियन थे, आप बताएं उनका लेवल क्या होगा कि इक्तदार क्या चीज होता है, इक्तदार में किस तरह से आपने जवाब दे होना होता है, किस तरह से चीजों को। सो इस्लामी परस्पेक्टिव के अंदर सोसाइटी कुछ नहीं है, माइंड इट प्लीज। फर्द इस्लाम इज्तमाई जिंदगी, इंफरादी से लेके इज्तमाई जिंदगी की तरफ जोर देता है, इस्लाम इंडिविजुअल्स पे बात नहीं करता। आप ये जमात देख लें, नमाज देख लें, और इस तरह से बहुत सारे मामला देख लें, जक़ात देख लें, बाकी सारी चीजें, ये क्या है, फर्ज से निकाल के इज्तमा की तरफ लेके जाना हमें इज्तमाईयत का। और कोई बंदा अपना, मैं अपनी बेटियों का भी जवाब दे हूँ, अपनी बीवी का भी जवाब दे हूँ, अपनी जिंदगी का भी जवाब दे हूँ, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कि मेरे जितनी मेरी औकात वसात है, जितना कुछ मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया है, चीजों को देखा है,
कोई एक लम्हा अगर मैं कहूं कि मैं आजाद हूं फॉर अ सिंगल टाइम, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर मेरा उस पे यकीन है जिस पे अगर मैं ये कह रहा हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई मबूद सिवाय अल्लाह के, तो अगर अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है तो फिर सुप्रीम अथॉरिटी अल्लाह है, और फर्द का काम, हुकूमतों का काम अल्लाह के बताए हुए अहकाम को राइज करना और उन्हीं के मुताबिक माशरे को चलाना है। जहां पे कोई चीज अल्लाह के बताए हुए अहकाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामला से टकराएगी, वो माशरा इस्लामी माशरा नहीं रहेगा, उसमें उसी वक्त बिगाड़ पैदा होगा। और खुदा के लिए आप जरा एक लम्हे के लिए सोचें अपनी इंफरादी जिंदगी से लेके इज्तमाही जिंदगी तक, ये हम लोग नहीं रचा रहे, हम लोग ये क्या, हमने, मैं मुसलमान हूँ जी, मुसलमान हूँ, और आप देखें ईद के दिन जिस मस्जिद में जगह नहीं मिलती नमाज पढ़ने के, वो अल्लाह को सिर्फ ईद का अल्लाह मानते हैं, वो अल्लाह को मुकम्मल अल्लाह नहीं मानते, ना वो जुमे का अल्लाह है, ना वो बाकी पांच नमाज तो फर्ज है, किसी हालत में भी आप नमाज छोड़ ही नहीं सकते। अगर आप पाक में अल्लाह को मान रहे हैं कि उसके सिवा कोई मबूद नहीं, उसी ने आप पे ये ऑब्लिगेशन लगा दी, आप पे ये फर्ज कर दिया गया कि पांच वक्त आपने नमाज पढ़नी। अब मुझे बताएं अजान हो रही है और सारे लोग घरों में बैठे टीवी देख रहे हैं या कुछ अपनी अपनी जिंदगी में मशगल हैं, मुझे बताएं वो क्या मानते हैं अल्लाह को? आप छत पे जौन से मर्जी डंडे लगा लें, जितने मर्जी उर्स करा लें, मुझे एक एक्शन दुनिया का कोई आलम ये साबित कर दे, सिर्फ ये एक एक्शन कि जिन इस्लामी मुआशरों के अंदर पूरी पूरी सोसाइटीज में इस्लामी है, वहां पे मुहर्रम जोर से मनाए जाते हैं, वहां पे मिलाद जोर से मनाए, मुझे बताएं खुदा के लिए जो फर्ज है, मुहर्रम मनाना फर्ज नहीं है, मिलाद मनाना फर्ज नहीं है, बाकी मामला किसी को मरने पे खाने खिलाना फर्ज नहीं है, शादियों पे बाजे बजाना फर्ज नहीं है, जो फर्ज ऑब्लिगेशन है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जब सांसें खुट रही थी और जब गरारा बनता है यहाँ पे आखिरी सांस इंसान की होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा की गोद में मौजूद थे, तो उस वक्त जो आखिरी अल्फाज आपके में थे उसमें अस्सलात था, उसमें नमाज थी, किसी सूरत में कोई रायत नहीं है इस बात में। मुझे बताएं कि वो शख्स अल्लाह को एक कैसे मानता है, या वो अल्लाह को मानता है जो शख्स एक भी नमाज छोड़ता है? बताएं हम इन सब को दाढ़ी रख लेना, पहुंचे उठे कर लेना, और बाहर जो है वो अपने घर के बाहर कोई सलात लिखवा लेना, कोई कलमा लिखवा लेना, इससे हम इस्लाम डिक्लेयर हो जाएगा, उस घर के सारे फर्ज जो है मतलब सोए पड़े हैं, हुजर की अजान हो रही है, इस्लाम डिक्लेयर हो जाएगा। सो वो लोग जो ईद के दिन आए थे उससे पहले वो मस्जिद बां बां क्यों कर रही होती है, एक भी साफ पूरी नहीं होती, तो क्या वो अल्लाह की हाकमियत को मान रहे हैं? ये जुज़वी इताअत अल्लाह को कतई तौर पर इस वक्त जो जलील व ख्वार होने की हमारी पूरी दुनिया में वजह है, हम लोगों को ढूंढते हैं, मैं दावे से ये बात कहता हूँ, नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जिस दिन हमने अपने अंदर इस्लाम को, यार वही लोग थे जिन्होंने 22,000 मुरबा मील दुनिया फतह की, अल्लाह ने उनके जिनसे शैतान भी डरता था उनके दिलों में, लोगों के दिलों में इतनी धाक बिठाई उनकी कि जिनके नाम से लोग कांपते थे, आज सब कुछ होने के बावजूद एक बेटी अपने बाप को आंखें निकालती है, वो कहती मैंने अपनी मर्जी की शादी करनी है, बेटा अपने बाप को आंखें निकालता है, तुम कौन होने बाबा, तुम तो पता ही नहीं किसे गल, तू तो हमें गुजारा ही देती, सारी जिंदगी जिसने उनके लिए काम किया, सारे गुनाह पापड़ बेले उनके लिए, बाई गॉड वो उसकी जिंदगी में उसको जलील कर रहे होते हैं, मरने के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता वो उसके लिए भी काम करें। लेकिन इस्लाम क्या कहता है, दिल वालदैन एहसान, इस्लाम कुरान में 5 जगह पे ये हुक्म है कि आप अपने वालदैन के साथ एहसान फरमाएं, ठीक है, अब ये बात लंबी हो जाएगी, लेकिन क्या उनकी अथॉरिटी है, क्या उनका लेवल है, तो हम तो अपने वालदैन के साथ नहीं कर रहे, अल्लाह के साथ करना तो बड़ी दूर की बात। सो लिहाजा इस्लामी पर्सपेक्टिव में अल्लाह इज द सुप्रीम अथॉरिटी, गवर्नमेंट काम करती है अल्लाह की हाकमियत को नाफज करने के लिए, इंसान फर्द मुआशरा काम करता है अल्लाह की जो हाकमियत है, अल्लाह का जो इकतदार है, अल्लाह का जो इख्तियार है उसको नाफज करने के लिए, हम एक खूंटे के साथ बंधे हुए हैं, और वो खूंटा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत, जो हुक्म है ना उसकी इताअत होती है, जो हम इबादत करते हैं वो हुक्म की करते हैं, और पैरवी जो होती है ये तो उससे भी बड़ी बात है, पैरवी में मैं आपसे प्यार करता हूँ ना, तो मैंने आपकी पैरवी करनी है, मुझे आप हुक्म दें या ना दें, मैं आपके पीछे पीछे हूँ, आपका फॉलोअर हूँ। यहाँ पे तो लोग लड़की के लिए जान दे देते हैं, वो मुझे कहे कि मिलने आओ या ना आओ, मैं रातों भी उनके चक्कर लावांगा, घर दे दिन में भी लावांगा,
हूं भी बार बार वेखांगा यार मेरे किसी ना किसी तरीके वो मैनू कभी नवा सूट लैके दे या ना दे, मैं उसको लेके दूंगा, ये क्या कर रहा हूं ये पैर। तो हम देखें हम अल्लाह के नबी की कितनी पैरवी कर रहे हैं, पैरवी में तो सवाल ही नहीं होता। मुहब्बे मैंने पहले भी बात आपसे की थी, लव एंड फेयर मोहब्बत में तो ये जायज ही नहीं, मोहब्बत में तो फेयर ही फेयर होता है, मोहब्बत में तो कोई और चीज होती नहीं। सो इताअत में और पैरवी में ये दोनों चीजें लाजम है कि अगर आप हुक्म की इताअत कर रहे हैं तो आप इतबा तो उससे भी बड़ी बात है, ठीक है। सो अब आप जरा एक लम्हे के लिए देख लें, अपना कोई एक सोसाइटी का हिस्सा उठाए, मेरा घर हो आपका घर हो कोई हो, क्या हम अल्लाह को हाकमियत अल्लाह तसव्वुर करते हैं? क्या हम मानते हैं कि मेरे मुझे मादी इसबाब पे, मुझे इस बात पे यकीन है कि अबू बकर मेरा काम कराएगा तो हो जाएगा, मुझे इस बात पे यकीन नहीं है कि मैं बैठ कर दुआ करूं अल्लाह पाक मेरे लिए इसबाब का, मुझे इस बात पे यकीन है ये डॉक्टर मुझे टाइम दे देगा तो मेरी जान बच जाएगी, मुझे इस बात पे यकीन है कि ये नौकरी मुझे मिल गई तो मेरी मेरी खलासी हो जाएगी, मुझे इस बात पे यकीन नहीं है कि अल्लाह भी कोई बैठा हुआ है वही सारे मामला। सो हमने जब तक इस्लामी पर्सपेक्टिव ये है कि आपने हाकमियत अल्लाह जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो अल्लाह है, हाकमियत अल्लाह अल्लाह की है, और अफराद जो हैं वो अल्लाह के हुक्म को नाफज करने के लिए बतौर अमानत वो इख्तियार उनके पास है और वो उसको लेके चलते हैं। सो मुआशरा जब फर्ज से बनता है तो अफराद में बगाड़ आएगा तो मुआशरे में बगाड़ आएगा, और इस्लामी पर्सपेक्टिव में इज्तमाई लेवल पे अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अब अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को तो हमने खाना खराब कर दिया है, सारे चौकों पे बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हैं जिसपे अगर मैं जिन दिनों इस्लामाबाद था उन दिनों कोका कोला वालों ने एक एड चलाया था जिसमें छोटी सी लड़की ने, वो बोतल तो छोटी सी है लेकिन उस लड़की की अपनी तस्वीर जो उसके सारे फिगर्स को नुमाया कर रही होती थी वो बड़े सारे बोर्ड पे होती थी। कहाँ अमन बिल मारूफ और कहाँ नहीं अनिल मुनकर, सरे आम हम चौकों पे इश्तेहार लगा के अल्लाह को चढ़ा रहे हैं मुंह नौस बिल्ला कि अवे अल्लाह तेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी ऐसी कर रहे। यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में जिस तरह की ड्रेसिंग जिस तरह के लिबास जिस तरह के बच्चे जिस तरह की बच्चियां, सरे आम अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह 900 ग्राम लिख के 800 ग्राम हम दे रहे हैं सरे आम, और भाई इस बात की तवक्को रख के बैठे हुए हैं। सो हमने तो अल्लाह की हाकमियत अल्लाह को रोलने का ठेका ले लिया हुआ है इस्लाम के नाम पे अपने नाम पे, ठीक है। सो जब तक इस्लामी पर्सपेक्टिव सोसाइटी का ये है कि हमारा अपना कुछ नहीं है, हमारा अपना कुछ नहीं है, हम एक सांस के मालिक भी नहीं है, हमारी सांसें हमारा इकतदार हमारा इख्तियार हमारी जिंदगी हमारा दारो मदार टोटल का टोटल हमारे हमारा कारसाज हमारा मददगार, या सिंपल सी बात ये है कि मुझे रात सो के अगर सुबह उठने पे यकीन नहीं है तो मेरी अगली सांस का जो इख्तियार रखता है क्या वो मेरे बाकी मामला का इख्तियार नहीं रखता? अच्छा चलें, क्या मैं पैदा खुद हो सकता हूँ या जिस जिस घर में हम पैदा हुए अपनी मर्जी से हुए? नहीं, मैं अपनी मर्जी से मरूंगा या कहाँ पे मरना है कब मरना है कहाँ दफन होना है मैं करूंगा? नहीं, इन दोनों बातों पे यकीन हो जी अल्लाह ने देता पुत्र या दी है अल्लाह माल से जी अल्लाह ले गया। अब जो बात जो लोग ये बात करते हैं मुझे जरा खुदा के लिए वो सब बताएं, इन बिटवीन किसका इख्तियार था? पैदा हुआ अल्लाह का इख्तियार, चला गया अल्लाह का, ये दरमियान वाला इख्तियार भाई आपने अपने हाथ में क्यों लिया था? मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इसको इंजीनियर बनाऊंगा, मैं इसको दुनिया का ये कराऊंगा, मैं इसको सीएसएस ऑफिसर बना दूंगा, मैं ये करूं, ये दरमियान वाला इख्तियार आपको किसने दिया था और कैसे दिया था? सो अगर दरमियान वाला इख्तियार में अपने हाथ में या अफराद अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो इसका मतलब वो झूठ बोलते हैं जब वो कहते हैं कि अल्लाह ने दिया था, वो झूठ बोलते हैं जब ये कहते हैं कि अल्लाह ने, उनका अगर इख्तियार चलता तो वो वहां पे भी अपनी मर्जी का थी पुत्र ले लेते, उसकी शक्ल भी खुद बना लेते, उनका अगर इख्तियार चलता तो वो मरने भी ना उसको दे। सो लिहाजा ये बाकी सब सॉरी टू से मैं थोड़ा अगर तलब हो जाऊं इस मामले में आके, हम बकवास करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम खुद को धोखा देते हैं, हम अल्लाह को धोखा देते हैं। सो इस्लामी पर्सपेक्टिव में कोई एक लम्हा हमारे पास ऐसा नहीं है जिसपे हम कह सकें कि मेरी जिंदगी है मेरा इख्तियार है मेरा मामलात है, मेरा तो कोई इख्तियार ही नहीं, मेरी तो जिंदगी ना मैं अपनी मर्जी से पैदा हुआ ना मैंने अपनी मर्जी से जाना है, इन बिटवीन का इख्तियार एक तयशुदा फार्मूले के तहत एक मालिक ने मुझे भेजा है, वही मेरा मालिक है आने के बाद भी, वही मेरा मालिक है जाने के बाद भी, और अगर ये मेरा इख्तियार है तो फिर दरमियान वाला कोई मेरा और मालिक हो नहीं सकता। एंड दैट्स इट। लिहाजा इस्लामी मुआशरे में जो सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है इस्लामिक
वो ये है कि वहां पे हर फर्द अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता है और उन्हीं अहकाम को सोसाइटी और दीगर सोसाइटीज तक नाफज करने के लिए जदोजहद करता है, और इसी का नाम जो है जहाद है। जी, सोसाइटी एज ए ऑर्गेनाइजेशन, ये आप ऑर्गेनाइजेशंस जो रूल्स हैं किसी सोसाइटी के अंदर वो कौन कौन से हो सकते हैं, टू मेक द सोशल स्ट्रक्चर मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग डिजायर्ड मिशंस एंड विजंस। अब ये जो भी डिजायर विजन है, मिशन है, हमने दुनिया में आगे बढ़ना है, हमने एटमी मिसाइल बनाने हैं, हमने कोई एटमी धमाके करने हैं, या इस्लामिक पर्सपेक्टिव में हमारा ये मिशन है कि हमने अल्लाह की हाकमियत को इस दुनिया पे कायम करना है। एज ए कैटलिस्ट टू बेटर सिविलाइज्ड ग्रुप एंड कॉम्पिटिटिव कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल फंक्शंस इन द सोसाइटी टू अचीव देयर नीड्स। बहुत सारे लोग मिलके ग्रुप्स की सूरत में काम करते हैं, तो ये सोसाइटी हम क्या बना रहे हैं, एज ए ऑर्गेनाइजेशन एक तंजीम के तौर पे सोसाइटी को देख रहे हैं, उस वक्त सोसाइटी का क्या रोल होता है। ऑर्गेनाइजेशन एज ए बेसिक चेंजिंग टूल टू बेटर सिविलाइजेशन, उस माशरे को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, एक महजब कौम बनाने के लिए सोसाइटी के अंदर सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करती है। ये था जी हमारा आज का, सोसाइटी क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, करेक्टर्स क्या हैं, नेचर ऑफ सोसाइटी क्या है, और सोसाइटी एज ए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोसाइटी क्या है।